वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और मेरी फेवरेट मेहमान आ चुकी हैं काफ़ी दिनों से हमारे साथ, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। डॉक्टर शवाना मुफ्ती हमारे साथ मौजूद होंगी। वेलकम टू द शो डॉक्टर शवाना, वंस अगेन कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, टिप टॉप, अल्लाह का शुक्र। मज़े में? मज़ा मज़ा आ रहा है आपको पाकिस्तान में? भाई मैंने तो यहाँ पे आके वो सारी हसरतें पूरी कर रही हूँ। कल मैंने कीमे वाला नान खाया था, आलू वाला नान, आज मेरा प्लान है कि मैं रबड़ी और कश्मीरी चाय पीऊंगी। और वो आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपने? मैं पहले प्लान करती हूँ कि मैंने क्या खाना है। लवली लवली, जाके मैंने डाइटिंग करनी है ना बहुत। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी डाइटिंग की, आप यहाँ से सही पाकिस्तानी फूड इंजॉय करिए। मैं लाहौर की बंदी हूँ, लाहौर वालों के लिए बड़ा मुश्किल है फूड से हाथ रोकना, फूड लवर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़ा मेडिकल पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हम कैंसर स्क्रीनिंग के हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ तरह के कैंसर होते हैं, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? ऑन एंड ऑफ आपको चेकअप कराना है, स्क्रीनिंग करानी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगाज हम यही करते हैं, कैंसर एक नो डाउट एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको डायग्नोज जल्दी हो जाए तो फ़ायदा है, देर से हो तो नुकसान। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्मिला। देखो कि प्रिवेंशन जो होता है वो एहतियाती तदबीर अगर आप पहले करें और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप पहले कर लें तो आप करोड़ों अरबों रुपए बचा सकते हैं। एक दफ़ा जब आपको डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर तो आपने इलाज करना है और फिर आपका सर्वाइवल रेट भी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर कम होता जाएगा। आजकल ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है वो ये मंथ है अक्टूबर उसका, और उसकी कैंपेन चलती है, लोग स्क्रीनिंग बताते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि छोटी छोटी बातें ना जो मैं और आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि ये सबको पता होगी, ये आम आवाम को नहीं पता होती। और अगर सिर्फ उनको ये बता दिया जाए ना, खासतौर पे औरतों को जो वो टीवी शो ही देख रही हैं, अगर इतने पैसे जाके कपड़ों पे गुजारती हैं, लगाती हैं, इतने पैसे जाके वो और चीज़ों में लगाते हैं, सिर्फ अपनी हेल्थ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपने ऊपर पैसे लगा के स्क्रीनिंग कर लें, थोड़े से पैसे चाहे बचत। मुझे पता है कि यहाँ पे टेस्ट लोग कहते हैं जी बड़े महंगे होते हैं, मेमोग्राम की आप बात करेंगी तो हमारे पास तो ये नहीं, लेकिन देखें और हमें कितनी हम समझते हैं, जब बीमार हो जाएंगे तब लगाने हैं ना, तो उससे पहले क्यों नहीं लगा लेते कि जाके प्रिवेंशन जो है इट इज़ द की, पहले ही रोकथाम कर लें ताकि जो है आपको बाद में जो है आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। ठीक है डॉक्टर शवाना, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, बिगर कैंसर भी होते हैं। नॉर्मली रूटीन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इग्नोर करते हैं और हम स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, स्क्रीनिंग कराना कितना ज़रूरी है? मैंने अभी बताया कि स्क्रीनिंग करवाओगे तो देखो पहले ही अगर जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर के एग्जांपल, अगर जीरो स्टेज या वन स्टेज पे पकड़ा जाए तो सर्वाइवल रेट कितना 99% से भी ऊपर हो जाता है, बल्कि 100% ही आपका सर्वाइवल हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा अगर लेट स्टेज में चला जाए तो बस अल्लाह ही मालिक है। तो स्क्रीनिंग इज द की, अगर आप स्क्रीनिंग करोगे, इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं ना, हमारे प्रिवेंटिव मेडिसिन क्यों नहीं है ये देखने वाली बात है ना। फिर वही लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से नहीं है और गवर्नमेंट ने ऐसे कोई काम नहीं रखे हुए, लेकिन अब तो इस ऑलवेज मेरा ख्याल है अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस आजकल मुहिमें चलती हैं, अगर लोग जाके करवा लें, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की बात है तो छोटी सी बात है, आपने एक मेमोग्राम करवाना है। लोगों को ये नहीं पता कि मेमोग्राम एक ब्लड टेस्ट है या क्या टेस्ट है, वो एक एक्सरे करते हैं आपके ब्रेस्ट का और उसमें देख लेते हैं कि कोई गिल्टी तो नहीं है, अगर गिल्टी है तो उसकी बायोप्सी करके पता चल जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। और ये जो इमरान खान के इतने हॉस्पिटल्स थे माशाल्लाह, जो हम जाके टूर भी करते हैं सारा, वहाँ बाहर से वहाँ बैरूनी इमदाद भी आती है, तो ये जो हॉस्पिटल्स बने हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और काफ़ी अगर आप ट्राई करो, अगर आप इतने नहीं पैसे लगा सकते, मेरा ख्याल है फ्री केयर भी अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आपको देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शवाना, नॉर्मली खवातीन को अवेयरनेस नहीं है या उनकी तवज्जो भी नहीं होती अपने आप पर, हम 10 लोगों का ख्याल रख लेते हैं लेकिन हम अपना ख्याल रखते हुए बहुत जी सकते हैं। और यही बात होती है कि हमारे यहाँ नॉर्मली हमें ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करके हम कहते हैं नहीं, कौन जाएगा चेकअप कराएगा। खवातीन के लिए अपनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर आप ये वाले फैक्टर्स देख लो कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि कम से कम एक हेल्दी लाइफ गुजारूँ, तो सबसे पहले तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, वो ही काफ़ी एक रिस्क फैक्टर होता है काफ़ी कैंसर, बहुत सारी बीमारियों का, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, वो तो चलो कैंसर नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जब खराब होती है तो जवानी में, यहाँ मैं बाहर देखती हूँ वहाँ पे जो 70 साल की औरत होती है वो लगता है कि अभी अभी जो है वो जवान हुई है, उसकी वो नीड्स होती हैं, फिटनेस इतनी ज्यादा होती है, फिटनेस
यहाँ पे जो है वो आप डाइटिंग करके या तो बिल्कुल ही सूख जाते हो और आप फटीक हो जाते हो, थक जाते हो, और दूसरी तरफ ये होता है कि या फिर आप अपने आप को बिल्कुल ही लूज कर देते हो कि भाई ठीक है बच्चे हो गए, और एक 40 साल की औरत जो है वो आप देखोगे तो 60 साल की लग रही होती है, कोई ख्याल नहीं किया हुआ अपना। तो अगर आप सिर्फ वजन अपना कम कर सकते हो तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के अलावा कैंसर काफी, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर जो है इसका वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स वो ओबेसिटी है, क्योंकि उसमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो हाई हो जाता है, तो जितना एक्सपोजर होता है उसका उतना आपका रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर हैं हर कैंसर के, कि कौन सा रिस्क फैक्टर आप प्रिवेंट कर सकते हो। उसके अलावा हमारी औरतें समझती हैं कि जो हार्ट अटैक है, आदमी को स्ट्रेस होता है वही अल्लाह अकबर होगा, उसी को हार्ट अटैक होना है। हाँ वैसे ये भी बात, लेकिन औरतों का रिस्क फैक्टर है, औरतों का जो है हार्ट अटैक उनको होता है, और ये हम समझते हैं कि आदमियों को ज्यादा, आदमियों को होता है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे आदमी जेनेटिकली प्रोन है हार्ट अटैक को। अच्छा। हम समझते हैं कि सिर्फ एक मोटा आदमी या जो एक्सरसाइज नहीं करता उसी को हार्ट अटैक होना है, हालांकि जो साउथ के जो हम एशियन आदमी हैं जेनेटिकली वो चाहे एक्सरसाइज भी करते हैं, पतले दुबले भी होंगे, आपको नजर आएंगे कि एक सांवला सा पतला सा आदमी है और उसके बाद हेल्थी भी है, रोज वो ट्रेडमिल भी करता है 40 मिनट, और उसके बाद अल्लाह मियां माफ करे कि उसको जो हार्ट अटैक हो गया और गुजर गए, तो आप फिर हैरान होते हैं कि इसकी तो हेल्थी लाइफस्टाइल थी, ये तो प्रिवेंशन भी कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, तो इसको हार्ट अटैक क्यों हो गया। तो उसमें ये कि जेनेटिकली भी होते हैं प्रोन, तो हर आदमी जो है उसको जब 40 साल से बड़ा हो जाए तो एक बेबी एस्प्रिन होती है, बड़ी सस्ती सी होती है, बेबी एस्प्रिन जो 80 मिलीग्राम की होती है हर आदमी को लेनी चाहिए। अच्छा। और ये एक बड़ी सस्ती सी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन बड़ी सस्ती सी मेडिसिन है, इसमें तो आपके पैसे नहीं लग रहे ना। तो अगर आपको कोई अल्सर नहीं है, कोई GI के कोई स्टमक के अंदर अल्सर नहीं है और कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आपको एक छोटी सी पिल से आप अपना रिस्क उसको कम कर उसको कम कर रहे हैं। तो हर आदमी को जो 40 साल से ज्यादा है और उसको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो बेबी एस्प्रिन तो आप ले सकते हो ना, बेबी एस्प्रिन प्लीज ले लें। ये औरतों को मैं कहती होती हूँ कि अपने हस्बैंड की दुआ करती हैं कि लंबी उम्र हो, और इतने काम करती हैं, खाने ला के देती हैं, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना बना होता है, बड़े अच्छे अच्छे खाने देती हैं। कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट डिजीज, तो आप कोशिश करें कि हेल्दी डाइट तो करते हैं, दोनों मिलके वॉक कर लें 40 मिनट की, एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बाकी जो है वो उसकी बेड साइड पे एक एस्पिरिन रख दें, रोज खाने के बाद उसको दे दें, तो देखें आपने रिस्क फैक्टर कितना कम कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शवाना, खवातीन की बात करें, हार्मोनल डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस जो होते हैं ये भी कैंसर के वजह से शामिल है? अब देखें, मैंने कहा था ना एक हार्मोन होता है औरतों का एस्ट्रोजन, तो अगर एस्ट्रोजन की ज्यादती हो तो आपका रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो जाता है। सही। वो ज्यादती क्यों होती है? जितना आपके अंदर फैट होता है, जितना फरबा बदन होता है, फैट के अंदर एस्ट्रोजन डिपॉजिट होता है। सही। तो ओबेसिटी जो है इसलिए इनडायरेक्टली रीजन बन गई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की। उसके बाद अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसके रिस्क और फायदे देखने चाहिए। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो कोशिश करें कि वो मत लीजिए, अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि वो भी एक्सपोजर है एस्ट्रोजन का। उसके अलावा जब 50 साल के बाद इंसान औरत जो है उसको मेनोपॉज हो जाता है और उसके पीरियड खत्म हो जाते हैं, तो फिर भी एस्ट्रोजन जो होता है ये उसके बाद भी रिस्क फैक्टर उसका हाई हो जाता है, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, हॉट फ्लैशेज होते हैं, औरतें कहती हैं हमें बड़ी गर्मी लग रही है और वो कोई पंखा लगाती हैं, एसी लगाती हैं, फिर भी जो भी वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो हॉट फ्लैशेज के लिए कभी कभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डॉक्टर उनको डाल देते हैं, तो वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये, और फिर जेनेटिकली ब्रैका जीन्स होती हैं, अगर आपकी माँ को या आपकी नानी या दादी को ब्रेस्ट कैंसर था तो प्लीज़ अपनी ब्रैका टेस्टिंग करवा लें। मुझे लगता है कि वो यहाँ बड़ी एक्सपेंसिव होती है। अच्छा। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो अपनी ब्रेस्ट तो आप हर महीने माहवारी के बाद चेक कर सकते हैं कि कोई गिल्टी तो नहीं है, और अगर कोई गिल्टी है तो जाके डॉक्टर से चेक करवा लें। और फिर 35 साल के बाद, वैसे तो कहते हैं 40 साल के बाद मेमोग्राम करवाओ, एक टेस्ट है जो एक्सरे होता है, तो मेमोग्राम तो प्लीज जरूर, मैं बल्कि एज ए डॉक्टर आपसे बैक करूंगी कि हर औरत 1 in 8 ब्रेस्ट कैंसर है। और मैंने अभी रिसेंटली केसेस देखे हैं, लोग कहते हैं कि एज इज द फैक्टर, ओल्ड एज में होता है, नहीं। मैंने आज यंग लड़कियां 30 साल के बाद, एक मेरी पेशेंट 32 ईयर्स की थी और एक 35 की, और एक तो उनमें से प्रेगनेंट थी। तो इतना ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया हुआ है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये वबा है, एंड आई रियली फील इट। क्योंकि मेरी अम्मी को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे ब्रेस्ट कैंसर था, एंड उनका 1 साल के अंदर डायग्नोस हुआ था और वो शी पास्ड अवे। तो मैं आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, पर्सनल रीजन की वजह से मेमोग्राम करवा लें प्लीज। अगर आपकी ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में तो 35 साल बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक को जरूरी है, हिस्ट्री है या नहीं। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था जी अगर आपने बच्चे पैदा किए हो, ब्रेस्ट फीड किया हो, तो डॉक्टर साहब ये रिस्क नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर का। देखें
रिस्क फिर भी होता है, रिस्क कम हो जाता है लेकिन रिस्क फिर भी उधर है. ब्रेस्ट कैंसर सेकंड कैंसर है नेक्स्ट टू लंग कैंसर. लंग कैंसर के बाद इसका नंबर आता है औरतों के अंदर. तो वैसे अगर ये देखा जाए आप 40 साल में तो जरूर एवरी ईयर पैसे हैं तो प्लीज एवरी ईयर करवा लें ना, चार सूट खरीदें आप जाके मेमोग्राम करवा लें. अच्छा डॉक्टर शवानो, हम एज की भी बात करें, किस एज में हमें खवातीन में जो कैंसर है किसी भी तरह का, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, खुदा न खास्ता कोई और ऐसा मामला है, तो कौन सी एज ज्यादा उसके प्रोन होती है कि मतलब इस एज में ज्यादा? इन जनरल तो फार्मूला ये है कि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपको कैंसर की जो है वो रिस्क बढ़ता जाता है ओल्ड एज के अंदर. लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर तो ब्रेस्ट कैंसर का मैंने कहा जैसे मेमोग्राम, उसके अलावा अगर कोई और रिस्क फैक्टर जो है जिस तरह स्मोकिंग, अब हमारी औरतें स्मोकिंग तो इतनी नहीं करती, वैसे आजकल कॉमन हो गया है, वो एक फैशन भी बन गया ना, फैशन ज्यादा बन गया शीशा. हालांकि वो भी स्मोकिंग की एक फॉर्म है, लोगों को ये चीज बहुत बुरी फॉर्म है. हम समझते हैं कि वो फैशन है और हम इनहेल कभी कभी नहीं कर रहे होते, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग होती है ना घर के अंदर, अगर आपका हस्बैंड भी कर रहा है तो बच्चे जो एक्सपोजर हो रहा है पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उतना ही रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है. अगर आपकी बीवी घर में है या बच्चे घर में और आप घर के अंदर स्मोकिंग कर रहे हैं, वो स्मोकिंग नहीं भी करते तो यू आर एडिंग टू द रिस्क फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर स्मोकिंग का हो गया. या जिस तरह हमारी बड़ी बुजुर्ग औरतें अगर स्मोकिंग नहीं भी करती थी, टबैको खाती थी और साथ हुक्का गुड़ 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 गुड़, तो माउथ का कैंसर भी हो गया, मुंह का कैंसर भी हो गया और उसके अलावा लंग कैंसर भी हो गया. लंग कैंसर का मसला ये कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं है. ठीक है, आजकल लोग एक सिटी स्कैन से अगर कोई हो पता चल जाए, लेकिन वो भी स्क्रीनिंग नहीं है कि हम जाके कहें कि भाई जाके करवा लो पता चले. लेकिन अगर कोई हैवी स्मोकर है तो उसको हम कह सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री है किसी की जाके सिटी स्कैन करा लो. फिर अगेन दीज आर द टेस्ट जिनमें पैसे लगते हैं. सही. तो आप स्मोकिंग ही बंद कर दें या फिर कहने को तो लोग मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब एक 80 साल का आदमी है वो अभी भी स्मोकिंग करता है और हेल्दी है, और एक 40 साल का आदमी है. ये मैंने बहुत सुना है लोगों की, ये बातें अजीब सी समझ नहीं आती कि भाई अल्लाह मियां ने उसकी जिंदगी लिखी है, अपनी जिंदगी तो कम ना करें. तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप खास तौर पे जाके आ बैल मुझे मार स्मोकिंग शुरू कर दें. जरूरी नहीं आप 80 साल तक जिंदा रहें. मतलब ये प्रूवन वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने कम करने, जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में. वेट लॉस एक बड़ा चैलेंज होता है ख्वातीन के लिए, और ये सारी चीज़ें चूंकि हम कैंसर को भी डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीनिंग को भी कर रहे हैं, टेस्ट भी बता रहे हैं, वेट लॉस के हवाले से भी थोड़ी सी बात. वेट लॉस मैं उसका बताती हूँ आपको क्योंकि मैंने भी प्लान किया हुआ है ना. अच्छा, हाँ, आपकी प्लानिंग हम जान लेते हैं ना जल्दी से. मैंने क्या, वो मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या करना है, तो आप वही फॉलो कर लें. ठीक है, इसको कहते हैं कीटो डाइट. कीटो डाइट, ओके. कीटो डाइट में ये हो जाता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो इनटेक है वो मैंने सारा मेजर करके वो देखना है कि कितना लेना सारा कुछ है, लेकिन प्रोटीन इनटेक ज्यादा होगा. ठीक हो, ठीक है. एक तो ये हो जाएगा, मैं आपको आम अल्फाज में बता देती हूँ कि सब्जियां खाएंगे आप, फ्रूट्स वगैरह सारे खत्म कर देंगे. जब मैं कहूंगी फ्रूट्स खत्म कर देंगे तो सारी औरतें कहती हैं ओ ये तो बड़ी हेल्दी चीज है, फ्रूट्स नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या. लेकिन आपने वजन कम करना, मेंटेन नहीं करना. एक दफा जब वजन कम हो जाएगा तो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे चले जाएं, एक्सरसाइज शुरू कर दें और मेंटेन करें. अभी तो आपने कम करना है ना, तो कम करने में ये है कि सारे फ्रूट्स खत्म कर दें. ठीक है, ये एक प्लान है, बाकी आप कोई भी प्लान कर सकते हैं अपने डाइटिशियन के साथ. मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो काम करेगा छोटे टाइम पीरियड में. ठीक है, फ्रूट खत्म कर दें सारे, पानी 2 से 3 लीटर रोज पिए, 2 से 3 लीटर पानी. ठीक है, उसके बाद अगर सुबह आपने अंडे खा लिए 2, दोपहर को आपने मीट, ज्यादा मीट खाना है, मीट में आ जाता है चिकन आ जाता है, मछली आ जाती है, या आपका कोई लीन मीट आ जाता है, उसको ये है कि आपने ग्रिल करना है या स्टीम करना है, बारबेक्यू कर ले, फ्राई नहीं करना. और पूरे दिन में अगर आपने दूध लेना है, कोई योगर्ट वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, लेकिन अगर दूध लेना है तो 2 ounce इतना सा होता है अपने बच्चे के फीडर में, आप मेजर कर सकते हो. और वो 2 ounce आप मेजर कर लो, अगर आप चाय पीते हो तो वही उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है. थोड़ी सी काली हो जाएगी कि 4-5 पीते हो, तो कोशिश करो कि 1 या 2 पियो, ताकि अगर आपको रंग अच्छा चाहिए चाय का. लेकिन ये नहीं कि हर चाय के कप के अंदर 2 ounce को डिस्ट्रीब्यूट करना है. और सब्जियों में भी वो वाली सब्जियां आप ले सकते हो, जिस तरह पालक हो गया, उसमें आपने पोटैटो नहीं लेना, शकरकंदी नहीं लेनी, मटर और गाजर थोड़े अरसे के लिए खत्म कर देना है, और आप मूली ले सकते हो, लेटस जितनी मर्जी लो दिन में. आप शवाने सब आपका प्लान है क्या आपने करना है? मैं तो करूंगी, और 2-3 महीनों में मैंने 30 pounds कम करना है. और पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. अच्छा, 2-3 चीजें अपने लाइफ स्टाइल में क्यों नहीं लोग एंटर कर लेते? वो इस तरह से होता है कि आप एलिवेटर ना लो, आदत बनाओ के स्टेयर्स लो, और ऊपर से 1-2 liter की पानी की बोतल खरीद लो, उसमें रोज आप पानी भर लो, और आपको पता होगा कि मैंने ये सुबह से लेके शाम तक खत्म करना है.
तो वो आपके हाथ में होगा ना, तो आपको उसका मॉनिटरिंग रहेगी, वरना याद नहीं रहता कि कितने ग्लास पिए, कितने नहीं पिए, कितने नहीं पिए. ठीक हो गया. तो इसको कीटो डाइट कहते हैं. कीटो डाइट कहते हैं. अच्छा, कीटो डाइट में आपको कुछ अर्सा तो इसका आएगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ सकते. एक दफा जब लूज कर लिया तो फिर आप एक्सरसाइज करो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रेड इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ब्रेड जब आप कीटो डाइट को कर रहे हो ना, जो मैंने 2-3 महीने करनी है, उसमें रोटी, चावल, वीट ब्रेड, कोई भी ब्रेड वो बिल्कुल नहीं खानी, उसको हाथ भी नहीं लगाना. अच्छा. चावल वगैरह सब खत्म कर देने, क्योंकि लूज करने का प्लान है. और ये बड़ी हेल्थी चीज होती है, लेकिन इसके अंदर आपको पानी और विटामिंस, क्योंकि अब आप काफी चीजें जो हैं बीच में से निकाल रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा विटामिंस लेने पड़ेंगे साथ. विटामिन से मुझे याद आया, हर देसी इंसान का पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडिया, हर इंसान का विटामिन डी लेवल बहुत कम है. क्यों? हालांकि यहाँ पे तो सन इतना है, तो हम लोग समझते हैं क्यों है कि इट माइट बी जीन्स और इट्स समथिंग विच आई डोंट नो. लेकिन जब आप सनी कंट्रीज का सोचते हैं, तो आप कहते हैं कि विटामिन डी तो होना चाहिए. तो नहीं, अपना विटामिन डी जरूर चेक कराएं, क्योंकि औरतें आके कहती हैं जी मसल्स में बहुत दर्द है, थकावट बहुत रहती है, थकन दिल नहीं करता है, एनर्जी नहीं है, हस्बैंड के पास नहीं जा सकते, बच्चों की खिदमत नहीं कर सकते, और बड़े मसाइल. तो विटामिन डी जो है ना, वो जरूर अपना चेक करवा लें. ठीक है. उसमें फिर विटामिन डी, बड़ी आसान सी बात है, विटामिन डी जो है वो आप ले सकते हो, या तो 50,000 वंस अ वीक, या डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर जो आपको देगा. तो ऐसी दूध के अंदर भी विटामिन डी होता है, चीज के अंदर भी होता है, और काफी फूड है जिसके अंदर फोर्टिफाइड विद विटामिन डी. ठीक हो गया. एक और चीज मैं बताऊं बालों के लिए. हाँ, बताएं, जरूर जरूर, हम तो सुनने को बेकरार होते हैं. अच्छा, बालों के लिए ना जो नुस्खे होते हैं ना घर के, वो बड़े चलते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं. अगर आप हिना जो होती है ना, उसके ऊपर वो हाइलाइट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक दफा हिना कर लो ना बालों में, तो हाइलाइट्स नहीं होता. लेकिन हिना हमारे नबी माशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे, और बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आपके रंग भी अच्छा आ जाता है. उसके अंदर होते हैं हाइबिस्कस फ्लावर्स. लेकिन वो प्योर केमिकल वाली नहीं. केमिकल नहीं, आपने प्योर हिना लेके उसके अंदर हाइबिस्कस फ्लावर्स डाल लो. वो एक लाल से फूल होते हैं, उसकी मुझे उर्दू नहीं आती, गूगल कर ले लो. तो वो रेड कलर दे देते हैं बड़ा अच्छा सा. और उसके अंदर कलवंजी, मेथी और सिकाकाई, आमला का पाउडर और रीठे का पाउडर, ये सारे पाउडर्स मिलते हैं. और माश की दाल, इन सबको ग्राइंड करके, इन सबका मेजा बना के जो है ना, वो आप सर पे लगाओ 3-4 घंटे, हफ्ते में 2 दफा, लेंथ भी ज्यादा होगी, घने भी होंगे. और मेडिकली एक बायोटिन कैप्सूल होता है, नॉट 5000 mcg माइक्रोग्राम. वो भी आपके मिलता है स्टोर से, वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा. दोबारा से नाम बता दें डॉक्टर. बायोटिन का कैप्सूल होता है, और देखें कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी ना हो और बाकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो. तो बायोटिन तो आपको वैसे, जिस तरह मैं कहती आदमियों को, सब आदमियों को उस पे होना चाहिए ना, एस्प्रिन पे, बेबी एस्प्रिन फॉर द हेल्थ. तो बायोटिन भी जो है बालों के लिए अच्छा है, तो सारी औरतें ले लें. अच्छा डॉक्टर शवाना, क्योंकि मैं टाइम को विटामिन ई कैप्सूल भी डाल लेना. यही कहने लगी थी. अच्छा, हम सप्लीमेंट्स को जल्दी से डिस्कस कर लें. सप्लीमेंट्स लेना ठीक होता है? सप्लीमेंट्स अब डिपेंड करता है ना कि आप क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स कह रहे हो या आप सिर्फ विटामिन्स सारे. तो अगर उनकी बात कर रहे हो तो देखो, कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, अगर आप एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर रहे हो तो इनटेक भी उतना ही आपको एक्स्ट्रा चाहिएगा. अब कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप कह दो कि एक्सरसाइज करते हुए टेस्टोस्टेरोन टाइप और स्टेरॉइड टाइप ले रहे हो, तो आई एम अगेंस्ट दैट. ठीक है. लेकिन बाकी जो हेल्दी विटामिंस और हेल्दी प्रोटीन्स और ये सारे हैं, वो अंडर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जरूर लें. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शवाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हम उम्मीद करेंगे आप कल भी हमें ज्वाइन करें. और जनाब डॉक्टर शवाना, इतनी मज़ेदार और अच्छी अच्छी बातें आपकी हेल्थ के हवाले से बता दी हैं. आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपना ख्याल रखें. अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.